ये मेरा सौभाग्य है कि वैद्य धर्माधिकारी सर की अनुमति से और आयोजकों की अनुमति से मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये मेरी दुष्टता है कि मैं आप जैसे विद्वानों के सामने कुछ चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई त्रुटि रह जाए तो मैं पहले से क्षमा मांगता हूँ आपकी। एक रघुवंश में एक सूत्र है, सूत्र ऐसा है, तितिरिषु दुस्तरम मोहात उडुपेन अस्मिन सागरम। मीन्स इसका मतलब ऐसा है कि ये सागर ऐसा शास्त्र है और उसमें मैं एक छोटी नाव में शामिल होके वो पार करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये टॉपिक जो मुझे सर ने दिया है आवृतवाद, ये वैसे कहा जाए तो बहुत ही कठिन टॉपिक है, मैं कोशिश करूंगा। शब्द मेरे है तेरे भाव सर के है, वाणी मेरी है फिर भी विचार उनके है। उनसे जो मिला है मुझे गत 5 साल में उसकी ही कुछ अंश मैं आपके सामने चर्चा के लिए रखूंगा। आवृतवाद जब हम बीएमएस में पढ़ते थे, सर से मुलाकात नहीं हुई थी तब आवृतवाद की हमारी कंसेप्ट, मतलब मेरी कंसेप्ट खुद की ऐसी थी, एक तो क्लास में किसी ने पढ़ाया नहीं था आवृतवाद। टॉपिक आता है पुरुष में पर वो स्किप कर देते हैं, कोई सिखाता नहीं है, मतलब हमें सिखाया नहीं था। और जब हमने पढ़ा था तो हमारी कंसेप्ट ऐसी थी कि अगर अपानावृत प्राण है तो अपान वो जो साहब है वो नीचे से ऊपर जाते हैं, प्राण को आलिंगन देते हैं और जैसे किसी डिब्बे को ढक्कन लगाते हैं वैसे वो अपान प्राण को ढक्कन लगाता है और हम बोलते हैं कि अपानावृत प्राण। और इतनी कंफ्यूजन की, बापरे आवृतवाद। तो कभी कोशिश नहीं की थी, जस्ट एग्जाम के लिए कितने आवरण है, एमसीक्यू में कितने आवरण रहते हैं, एमसीक्यू की संख्या वगैरह वगैरह ऊपर था। पर जब मैं एमडी के लिए संविता में एडमिशन हुआ और सर से मुलाकात हुई, सर हमको पढ़ाने लगे और रोजाना क्लास चलती थी हमारी, तब सर ने जब आवृतवाद सिखाया तो थोड़ा हार्ट बीट्स बढ़ गई थी, अभी क्या मतलब क्या होगा। पर यह कंसेप्ट इतनी क्लियर है, ग्रंथकारों ने ये इतना क्लियर लिखा है कि हम घबराने की मतलब कोई जरूरत ही नहीं है। आवृतवाद समझने के लिए पहले तो वात संकल्पना, वात प्रकोप और वात शमन, ये तीनों चीजें मालूम होना बहुत जरूरी है। सर ने वात प्रकोप, वात शमन और वात संकल्पना दूसरे दिन यहां पे ली है, फिर भी मैं किसी और एक सूत्र से, मतलब आप चरक सूत्र से 12वां अध्याय हो चुका है वात प्रकोप का, वात शमन का आप सब जानते हो, फिर भी मैं और एक सूत्र से उसके और थोड़ा डिटेल जाके, थोड़ा रिपीटेशन होगा पर आवृतवाद समझने के लिए वात प्रकोप, वात संकल्पना ये पहले क्लियर होनी चाहिए, वो गाभा है उस चीज का। अब वात संकल्पना क्या है, तो ग्रंथकारों ने इसकी व्याख्या नहीं की है कि वायु क्या है, व्याख्या नहीं की है। ग्रंथकारों की यह पद्धति है कि व्याख्या के विषय सिवाय वो कर्म के अनुशंग से वायु का वर्णन करते हैं। सूत्रसम 12वें अध्याय में हमने देखा है, सूत्रसम 12वें अध्याय का 7वां सूत्र उसके कर्म का है, 7वां या 8वां सूत्र है, और उसमें वो बोलते हैं कि ये प्रत्यक्ष अनुमान और उपदेश से साधयित्वा ये कर्मानुमेय है। जो ये जो कर्म बताए गए सृष्टि के और लोकगत और पुरुषगत, उसके जो कर्म करने वाली जो शक्ति है वो वायु है। परमाणु का विघटन संगठन करने वाली जो शक्ति है वो वायु है, ये हमने परसों देखा। तो ये व्याख्या नहीं करते, वो उसके कर्म का वर्णन करते हुए वायु का वर्णन करते हैं, वो एक शक्ति है। तो और एक सूत्र है सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 46 सूत्र क्रमांक 527 इतने सुश्रुत है। अविदग्धा कफम विदग्धा पित्तम पवनम पुनः निस्सारो आहार परिब्रूहे। पेज नंबर 253 सूत्र स्थान अध्याय 46। उसकी टीका डल्लन जी की है, वो भी अविदग्धा कफम से आगे पढ़िए दूसरी लाइन से। अविदग्धो मधुर आहार
एक मिनट, अविदग्ध कफम मधुर आहार, जो विदग्ध नहीं है ऐसा मधुर आहार कफ का परिभ्रमण करता है। आगे कफम परिभ्रमण अतिशयन वर्धयति, पित्त विदग्धो अम्लीभूत आहार परिभ्रमयति। एक मिनट, अम्लीभूत आहार, अम्लीभूत विदग्ध ऐसा आहार पित्तम परिभ्रम है, पित्त का वो अतिशयन वर्धयत बढ़ाता है उसको। ये दोनों हम इमेजिन कर सकते क्योंकि ये मूर्त द्रव्य है, पर वायु का क्या होता है वो आगे लिखा है। पवनम पुनः सम्यक विपक्व आहार, सम्यक विपक्व निस्सारहा निर्गता सारहा आहारहा पवनम परिब्रूहे, उसके आगे निस्सारो निर्गत सारहा रौक्षेण परिब्रूहे। रौक्षे यहां उपलक्षण मात्र है, हम अभी आगे जाएंगे। अभी ये जो लाइन है कि निस्सारो निर्गता सारहा आहारहा परि, वो निर्गत सार निस्सार आहार वायु का परिभ्रमण कैसे करता है, तो वो ये जो सूत्र है ये अवस्था पाक का सूत्र है, शॉर्ट में बताया गया। और वो जो निर्गत सारहा ये जो है वो कटु विपाक का लक्षण है, कटु विपाक से वायु का परिभ्रमण होता है। अभी परिभ्रमण होता है ये कैसे होता है वो पहले समझ लेना चाहिए। कटु विपाक, उसके द्रव्य क्या है, अग्नि और वायु, तो उसके गुण क्या होंगे, रुक्ष उष्ण तीक्ष्ण विशद परुष इत्यादि इत्यादि, जो वायु और अग्नि के गुण है वो ही उसके गुण है कटु विपाक के। मूत्र भी कटु विपाकी है, तो ये मूत्र कटु विपाकी होना बहुत जरूरी है। और कटु विपाक जिसका बहुत अच्छा होता है उसका वायु का परिपोषण होता है, परिभ्रूहण होता है, तर्पण होता है। अब ये कैसे होता है, तो वो रुक्ष उष्ण तीक्ष्ण जो आहार है वो रुक्षादि गुणों की वात से पोषण करता है। पोषण मतलब वो शरीर में जो अनावश्यक क्लेद है, अनावश्यक स्निग्धता है, अनावश्यक पिच्छिलता है वो कम कर देता है और स्रोतो विकसन कर देता है, स्रोतों का उपलेप नष्ट कर देता है, स्रोतो मुख जो बंद हो चुके होंगे वो नष्ट कर देता है वो कटु विपाकी। वो मूत्र जो कटु विपाकी है वो सारे शरीर में घूमता हुआ, ये सारे कर्म करता हुआ, अनावश्यक स्निग्ध, अनावश्यक क्लेद, पिच्छिलता, स्रोतो मुख के उपलेप, ये सारे साथ में लेके वो क्लीन पूरा क्लियर करते करते साथ में जाके फिर वृक्क से आगे मूत्र में परिवर्तन होके वो बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसीजर नॉर्मल में होनी चाहिए। और इसकी वजह इससे क्या होता है कि शरीर में स्रोतों में जो आवश्यक रौक्षण परिभ्रमण, ऐसे एक शब्द टीका डल्लन जी ने लिखा है, रौक्ष भी किसी मात्रा में शरीर में आवश्यक है, तो वो ये रुक्ष आदि गुण जो वायु के हैं, जो हमने वात प्रकोप में देखे थे कि रुक्ष कराणाम शरीराणाम, शीत कराणाम शरीराणाम, परुष कराणाम, ये उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये प्राकृतावस्था में मात्रे में योग्य मात्रा में आवश्यक है, इसको कहते हैं वायु का परिभ्रूहण। और ये होना चाहिए, ये अगर नहीं होगा, अगर स्निग्धता अनावश्यक स्निग्धता बाहर नहीं जाएगी, अनावश्यक क्लेद बाहर नहीं जाएगा, अनावश्यक पिच्छिलता बाहर नहीं जाएगा, अभिछंद नहीं दूर होगा, स्रोतो विकसन नहीं होगा, तो फिर अग्निमंद आम उत्पन्न होगा, अभिशंद होगा, अग्निमंद होगा और होगा सर्वे मंदग्न, वो आगे की संप्रति तो घटती जाएगी। इसके लिए ये कटु विपाक अच्छा तरीके से होना ये बहुत जरूरी है। अभी एक आवरण दो तरह के बताए वो आगे बताऊंगा मैं, फिर पहले इसके यहां पे बता देता हूं, एक वृद्धात्मक और एक क्षयात्मक। अभी हमने देखा कि अगर स्निग्धता नहीं गई, पिच्छिलता नहीं गई, शीतता नहीं गई, अभिशंद रह गया, स्रोतो विकसन नहीं हुआ, तो क्या होता है कि वो क्षयात्मक वायु का क्षयात्मक वायु क्षय हो जाता है ना, अगर स्निग्ध वो ऐसे रह गया शरीर में, कटु विपाक अच्छा नहीं हुआ तो वात क्षय हो जाता है। और उल्टा अगर ये रौक्ष अति तरह अति बढ़ गया, रुक्ष उष्ण ये जो गुण है वो अधिक मात्रा में बढ़ गए, तो ये वायु का प्रकोप है। मतलब जो वात प्रकोप हमने सर्व सूत्र स्थान 12वें अध्याय में सीखा, उसका ही एक और एंगल यहां पे है कि आहार निर्गता सारहा, निर्गता सारा में आहार का सार नहीं जाना चाहिए, जो आहार अवस्था पाक से होते हुए कटु विपाक में आता है और वो कटु विपाक में रुक्ष उष्ण परुष तीक्ष्ण ऐसे गुणों के युक्त होता है, वो आहार रुक्षादि गुणों से वायु का पोषण करता है, शरीर में स्रोतों का विकसन करता है। तो ये सूत्र वायु का आवरण समझने के लिए पहले ये क्लियर हो गए, ये फिर से मैं बताऊं, क्लियर है, तो ये सूत्र यहां पे बहुत जरूरी है। तो वृद्धात्मक और क्षयात्मक दोनों ही एंगल हमने देखे। अभी स्रोतसों का विषय चल रहा है, तो स्रोतस
ये बाह्यमान पदार्थ जो उसमें है उसका वहन करते हैं, जो भी बाह्यमान कोई भी हो सकता है। ये जब स्रोतो विकसन अच्छा होगा, स्रोतस खुले होंगे, तो उसमें से जो बाह्यमान पदार्थ है वो अच्छी तरह से बहेगा और अपना अपना कार्य उत्कृष्टता से करेगा। और अगर ये नहीं होगा, वायु का पोषण नहीं होगा, तो स्रोतो मुख बंद हो जाएंगे और वो स्रोतस दुष्ट हो जाएगा। तो अभी एक सूत्र है, चरक विमान स्थान अध्याय 5 सूत्र क्रमांक 9 पेज नंबर 251 चरक विमान स्थान अध्याय 5 पेज नंबर 251 सूत्र क्रमांक 9 उसकी तीसरी लाइन राइट साइड में, तीसरी लाइन ऊपर से तीसरी लाइन मिल गया सबको सूत्र। श्रोतांसी श्रोतांसी एव, एक स्रोतस दूसरे स्रोतस को एव, धातवाहा धातुन एव प्रदूषयंती प्रदुष्टाहा, श्रोतांसी प्रदुष्टाहा श्रोतांसी एव प्रदूषयंती, धातवाहा प्रदुष्टाहा धातुन एव प्रदूषयंती। एक स्रोतस अगर दुष्ट हो गया है तो वो दुष्ट हुआ स्रोतस दूसरे स्रोतस को दुष्ट करता है। प्रदुष्टाहा श्रोतसाहा श्रोतसान एव प्रदूषयंती। एक स्रोतस अगर दुष्ट हो गया है, पकवाश है, हम अगर ये जो अभी संप्रति देखी हमने चतुश्रुत के सूत्र से, तो ये कटु विपाक कहां होता है? पकवाश में होता है। तो अगर कटु विपाक ज्यादा हो गया वृद्ध्यात्मक, या कटु विपाक स्निग्ध गुण से मतलब कम हो गया, रुक्षादि गुण प्रॉपर जो इसकी मात्रा है उसमें नहीं उत्पन्न हुए, दोनों ही संप्राप्ति में पकवाशय दुष्ट हो गए, स्रोतस पकवाशय के स्रोतस दुष्ट हो गए। एक तो पकवाशय के मतलब पकवाशय स्तर जो स्रोतस है वो रुक्षादि गुण से अधिक रुक्षादि गुण से युक्त है, या फिर जितने रुक्ष होने चाहिए प्राकृत अवस्था में उतने न होकर वो स्निग्धादि गुण से युक्त है, दोनों संप्राप्ति है। तो वो पकवाशय अगर दुष्ट हो गया है तो पकवाशय ये अपान का स्थान है, तो इसका मतलब वहां पे परिभ्रमण करने वाला वायु अपान दुष्ट है। तो ये स्रोतस, क्योंकि हमने देखा है कि वात प्रकोप मीन्स क्या, शरीराणाम वृक्षकराणाम शरीर, वो स्रोतस वृक्ष हो जाता है, वो स्रोतस पुरुष अति पुरुष हो जाता है या फिर अति स्निग्ध हो जाता है। तो ये पकवाशय पकवाशय दुष्ट है, इसका परिणाम अगर दूसरे किसी भी स्रोतस में हो रहा है तो वह आवरण है। एक स्रोतस दूसरे स्रोतस को अगर दुष्ट कर रहा है तो वह आवरण है, इसी को आवरण कहते हैं। अभी आवरण का जो संदर्भ है श्लोक जो हम सब जानते हैं वो निकालिए, चरक चिकित्सा स्थान 28वां अध्याय सूत्र क्रमांक 216 स्थानानि अवेक्ष वातानाम वृद्धिम हानिम च कर्मणाम। वायु के स्थान स्रोतस, जिस स्रोतस में वायु संचरण करता है उसका स्थान है वो देखिए, उसका अनुभव ऐसा है, स्थानानि वातानाम तेषां कर्मणाम वृद्धिम हानिम च, ये जो च है यहां पे वो अनुक्त का वर्णन करता है, क्या, एक तो वृद्धि या फिर हानि या फिर किसी भी और विकृति, ये च जो है वो अन्य किसी अविकृति का वर्णन करता है। तो वो इसका मतलब ऐसा हुआ कि वायु का स्थान देखिए कैसे वृद्धि हो गई है, क्षय हो गया है या फिर कोई विकृति है, ये देख के द्वादश आवरणानी अभिलक्ष्य विषक्जितम, आवरण का द्वादश ये भी उपलक्षण है, आवरण का अनुमान कीजिए। अभी इसके ऊपर एक सूत्र है 216 एशाम मिल गया, एशाम स्वकर्मणाम हानि ही वृद्धि ही वा आवरणे मता, एशाम वायु जो
पंच उसके ऊपर चला है पंचानी अन्योन्य आवृतान एव एशाम स्वकर्मणाम। कर्म से समझने समझिए, कर्म कैसे वृद्धि है हानि है या फिर कोई और विकृति है, इसके ऊपर से आवरण का अंदाजा लगाइए। अभी वृद्धि और हानि हमने अभी देखा कि पक्वाशय स्थायी एक उदाहरण लेके देखा, तो ये इसके ऊपर से स्थानानि अवेक्ष वातानाम वृद्धिम हानिम च कर्मणाम। वृद्धि का या फिर हानि का या क्षय का या फिर किसी और विकृति से उसका अंदाजा लगाए कि आवरण किसने किसको आवरण किया है। तो आवरण ये किसी ऐसा आवरण न होके वो कर्मात्मक है। एक वायु, अभी वहां भी आवरण के भी दो दो है, एक मूर्त और अमूर्त, मीन्स कफावृत वायु, कफावृत व्यान, कफावृत अपान, पित्तावृत उदान। मूर्त का आवरण अमूर्त पे हो या मूर्त का आवरण मूर्त पे हो, यह हम समझ सकते हैं, वो मैं यहां पे नहीं बताऊंगा कि कफावृत ये कैसा हो जाए, वो ठीक है उसके परमा मूर्त तो है वो उसे आवरण कर सकता है, पर अमूर्त एक अमूर्त दूसरे अमूर्त को कैसे आवरण करता है ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है। एक अमूर्त दूसरे अमूर्त को कैसे आवरण, तो ये जो आवरण है ये ऐसा ना होके कर्मात्मक है, वो स्थान नहीं छोड़ता। अपान उसका स्थान नहीं, अपान आवृत प्राण होगा तो अपान उसका स्थान नहीं छोड़ता, अपान दुष्ट हो जाता है, वो स्वतंत्र या परतंत्र किसी भी तरह से हो सकता है। पक्वाशय में अपान दुष्ट हो जाता है स्वतंत्र और परतंत्र, ये भी हमने सीखा। स्वतंत्र यानी स्वकर्मणा स्वगुण यथोक्त जन्म उपशयः स्पष्ट लक्षणः, उससे वो स्वतंत्र होगा या फिर किसी और से होगा परतंत्र से होगा। इससे अगर हो गया है तो इसका परिणाम शरीर के किसी भी अन्य स्रोतों पर अगर होता है तो वो, अगर उदाहरण के लिए अपान विकृति है पक्वाशय में, वही उदाहरण लेते हैं, इसका परिणाम अगर शिरशूल हो रहा है तो अपानावृत प्राण है। अपान दुष्ट है, पक्वाशय दुष्ट है और इसका परिणाम अगर अग्नि पे हो रहा है तो अपानावृत समान। एक वायु दुष्ट है, वायु का स्रोत वायु दुष्ट है मीन्स वायु का स्रोत दुष्ट है, उसका परिणाम वो दुष्टि का परिणाम अगर दूसरे किसी भी और स्रोत पे हो रहा होगा तो उसको अपानावृत प्राण। ऐसे सब आवरण समझ चाहिए। या भी इस अध्याय में 28 अध्याय में जो आवरण बताए गए वो भी उपलक्षण मात्र है, वो उदाहरण के लिए है, वो हमको दिशा दर्शन के लिए है, बाकी आवरण तो हम खुद समझ लेना चाहिए और उसका वहन करना चाहिए। फिर से बताओ ये या समझ में आ रहा है? अभी उसके कुछ उदाहरण ग्रंथ में इतस्तता है, एक दो उदाहरण हम ग्रंथ के देखेंगे। तो चरक चिकित्सा स्थान छरदी अध्याय 20 सूत्र क्रमांक 16 और 17 पेज नंबर 556 मिल गया सबको। मैं सूत्र पढ़ता हूं, विट स्वेद मूत्र अंबुवहानी वायु श्रोतांसी संवृद्ध यदा ऊर्ध्वमेति उत्सन्न दोषस्य समाचितम तम दोषम समुद्भूय नरस्य कोष्ठात् विन मूत्रयोः तत् समवर्णगंधम त्रुटश्वास हिक्कार्ति यूतम प्रसक्तम परश्चर्दये दुष्टम इह अतिवेगा तया अर्दितम आशु विनाशमेति। यहां पे जो सूत्र की नीचे से तीसरी लाइन है, तृष्णा श्वास हिक्का और छर्दी, ये चार लक्षण यहां पे है। तृष्णा, ये तृष्णा लक्षण कौन से वात के इसमें आता है? उदान या अपान, उदान या प्राण कैसे में बैठा है? श्वास प्राण, हिक्का प्राण, छर्दी उदान, ये दुष्ट है। और पहली लाइन विट स्वेद मूत्र अंबु वहानी स्रोतसानी, ये दुष्ट है। पहले तो विट, यस विट और मूत्र अपान वायु के क्षेत्र है, भाव है।
स्वेद व्यान का भाव है और अंबु व्यान का भाव है। तो अगर वित, मूत्र, अंबु, स्वेद इनके वहन करने वाले स्रोतस अगर दुष्ट है तो इसका परिणाम दूसरे स्रोतसों के ऊपर पड़ के तृष्णा, श्वास, हिक्का, छर्दी ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अगर वित दुष्ट है, अपान दुष्ट है और इसका लक्षण से तृष्णा उत्पन्न हो जाती है, अपानावृत उदान। अगर वित दुष्ट है, इसके स्रोतसों के दुष्ट, इसके दुष्ट होने से अगर श्वास उत्पन्न हो रहा है, अपानावृत प्राण। अगर स्वेद दुष्ट है, स्वेद भाव पदार्थ दुष्ट है, इसका परिणाम अगर हिक्का पे हो रहा है तो व्यानावृत प्राण। स्वेदावरोध है, ज्वर में होता है स्वेदावरोध। स्वेदावरोध से अगर बहुमूत्रता है, यहां पे नहीं लक्षण दिया है, स्वेदावरोध से अगर बहुमूत्रता लक्षण है तो वो क्या है? व्यानावृत अपान। यहां पे मूत्र संग्रहण नहीं देना चाहिए, चिकित्सा वो नहीं है। यहां पे मूत्र संग्रहण औषध नहीं, बहुमूत्रता है तो मूत्र संग्रहण नहीं, चिकित्सा स्वेदन, क्योंकि स्वेदावरोध है। जिसने आवरण किया है वो है आवरक, और जिसके ऊपर दुष्टि हो रही है जिसके वजह से तो वो है आवृत। तो चिकित्सा आवरक की करनी है, न के आवरण की, अवरुद्ध की। अगर स्वेदावरोध है, स्वेदावरोध व्यान का है, क्षेत्र है, उसकी दृष्टि से अगर बहुमूत्रता हो रही है तो मूत्र संग्रहण न देते हुए स्वेदन करना चाहिए, चिकित्सा स्वेदावरोध की करनी है, व्यान की चिकित्सा करनी है। यह आवरण है, और ऐसे आवरण तो नित्य घटते हैं, नित्य होते हैं शरीर में। अन्न खाने से अन्नावृत अग्नि प्राकृत है वो, पर विकृत आवरण या ऐसे वृद्धिम हानिम च कर्मणाम च में विकृति, वृद्धि हानि और किसी और विकृति से हमें परस्पर आवरण समझने चाहिए और उसकी चिकित्सा पहले आवरक की करनी है। हम और एक उदाहरण देखते हैं, चरक चिकित्सा अध्याय आठवां सूत्र क्रमांक 57। पेज नंबर 462, पेज नंबर 462, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय आठवां सूत्र क्रमांक 57। अभिसन्ने शरीरे तु यक्ष्मिणः विषमाशनात् कंठात् प्रवर्तते रक्तम् श्लेष्मा च उत्कृष्ट संचितः। अभिसन्ने शरीरे, शरीर अभिसंदित्व है, शरीर में अभिसंद है, कटु विपाक अच्छी तरह से हो नहीं रहा है, मूत्र जो उत्पन्न होने वाला है वो कटु विपाक ही नहीं उत्पन्न हो रहा है, मधुर आहार अधिकतर अधिक बढ़ गया है, आहार का निस्तारत्व जो उत्पन्न होना चाहिए कटु विपाक में वो नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से शरीर के स्रोतसों में अभिसंदत्व उत्पन्न है, क्योंकि वो जो क्लेद मूत्र से बाहर जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, क्योंकि कटु विपाक अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, उसके कारण कुछ भी स्वतंत्र होंगे या परतंत्र होंगे, उसकी वजह से कटु विपाक नहीं अच्छा हो रहा है, उसकी वजह से क्लेद अभिसंदत्व आम ये संचित हो शरीर में, शरीर है अभिसन्ने, अभिसंद है शरीर में, उसकी वजह से अगर छर्दी उत्पन्न हो रही है, छर्दी यहां पे रक्त छर्दी है, कंठात प्रवर्तित रक्तम श्लेष्मा, या फिर बहु मात्रे में छर्दी उत्पन्न हो रही है, तो ये व्यानावृत उदान, क्योंकि अभिसंद सर्व शरीर में है तो ये व्यान का क्षेत्र है, और इससे अगर छर्दी उत्पन्न हो रही है अभिसंद के कारण तो ये व्यानावृत उदान, हमें चिकित्सा व्यान की करनी है, अग्नि की चिकित्सा करनी है। यहां पे परसों सर ने भी बताया अग्नि, अग्नि की चिकित्सा यहां पे करना कि छर्दी की चिकित्सा करनी है, ठीक है वो स्थानिक चिकित्सा और लाक्षणिक चिकित्सा वो ठीक है, पर वो संप्राप्ति भेदन के लिए हमें व्यान की चिकित्सा, इसका मतलब हमें कटु विपाक उत्पन्न अच्छी तरह से होना चाहिए, इसका मतलब हमें अग्नि पे चिकित्सा करनी है। आमवात, आमवात है, आमवात में आम उत्पन्न है, फिर से वही, अगर आम शिल्लक रह रहा है इसका मतलब
अवस्था पाक ठीक तरह से नहीं हो रहा है, अन्न का पचन नीट ठीक तरह से नहीं हो रहा है, इसका मतलब अग्नि कुछ कहीं भी तो अग्नि विकृति है। हमें चिकित्सा कहां करनी है? अग्नि पे चिकित्सा करनी है, संधि की नहीं। संधि की चिकित्सा स्थानिक है, वो तो करनी है ठीक है, पर चिकित्सा हमें वो लेप उदावर्त सेक वगैरह सॉरी लेप उपनाह सेक वगैरह करना वो तो है ही, वो स्थानिक चिकित्सा है, पर हमें चिकित्सा समान की करनी है। यहां पे ये समानावृत व्यान है आमवात। जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि आमवात ये समानावृत व्यान है, तब तक हम आमवात का रुग्ण ठीक तरह से अच्छा नहीं कर सकते, वो फिर से उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। उपनाह से एक लेप से उपशम, उसको क्षणिक उपशम मिलेगा, तादात्विक उपशम मिलेगा, पर हमें वो अगर उसको अपुनर्भव करना है तो हमें समान की चिकित्सा करनी चाहिए, आवरण आवरक की चिकित्सा करनी है यहां पे। तो आमवात की संप्राप्ति ये समानावृत व्यान की संप्राप्ति है। ये जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तब तक आमवात के कोई रुग्ण अच्छी तरह से ठीक नहीं होगा, वो फिर से उसको आमवात होगा। ऐसे हर जगह है, प्रमेय है, प्रमेय भी वही है। प्रमेय की जो प्रारंभिक संप्राप्ति है अगर हम देखें उसको तो वो भी इसी तरह की है। जब तक हम मूल तक हेतु का विचार करके अग्नि के ऊपर चिकित्सा नहीं करते हैं तब तक प्रमेय कभी ठीक नहीं हो जाएगा। कितने भी तुम इंसुलिन तुम मतलब हम इंसुलिन मेंटेन करते रहे, प्रमेय ठीक नहीं होगा, बहुमूत्रता ठीक नहीं होगी उसकी, प्रभूताविल मूत्रता इंसुलिन वगैरह वो डायबिटीज ठीक है, वो प्रमेय प्रभूताविल मूत्रता वो ठीक नहीं होगी जब तक हम अग्नि के ऊपर चिकित्सा नहीं करते हैं तब तक। वे मूर्त आवरण जो है उसका उसकी एक मैं सर की अनुमति से एक केस बताता हूं। एक बार यहां हमारे यहां पे वाघोली में कैंसर की ओपीडी चलती है, कैंसर रिसर्च सेंटर है, तो मैं एक केस ले रहा था। 60 साल की दादी 60 साल के ऊपर एक दादी वो आई थी, स्थूल एकदम स्थूल थी, सीए ब्रेस्ट की केस थी, उनकी रिपोर्ट दे गई सीए, वो जब सब जो केमोथेरेपी हो गई थी रेडियोथेरेपी हो गई थी सब बहुत बार, मतलब केमोथेरेपी के 3 साइकिल हो गए थे, रेडियोथेरेपी के 2 साइकिल हो गए थे, फिर भी उपशम कुछ भी नहीं था, केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट भी थे, सब थे। और जब हम हमारी मतलब सर की तरह से हम जब केस लेते गए, हेतु निकालते गए, संदर्पण के हेतु थे ही, पर एक विशेष हेतु है जो मैं यहां पे बताना चाहता हूं, कहीं नहीं था, कहीं दिखता नहीं हेतु। वो उन्होंने उसने क्या बताया मुझे, मैंने उसको पूछा सब हेतु निकाल के, अभी कोई और चीज ऐसी है कि जो मैंने आपको पूछी नहीं है पर आप करती हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं बताती हूं पर आप किसी को बताना नहीं, और मेरे पति जी को तो बिल्कुल ही बताना नहीं। क्या करती थी वो, रोज एक बाउल भर के मिट्टी खाती थी, मिट्टी, और वो अगर पति को पता था कि मिट्टी, और 7 साल से कर रही थी, 7 साल। क्या हो गया था श्रोतसों में, सारे श्रोतस बंद, श्रोतोवरोध, श्रोतसों का ये मूर्त का आवरण है अग्नि के ऊपर, और अग्नि के ऊपर से सारे श्रोतस दुष्ट है। कैंसर या तो संप्राप्ति का लक्षण है, वो संप्राप्ति नहीं है, वो लक्षण है, वो परतंत्र है। संप्राप्ति थी उसकी मृत भक्षण जन्य। तो लोग ऐसे भी करते हैं, मतलब क्या मिट्टी रोज 7 साल से एक बाउल मिट्टी वो घर पे एक ऐसा भर के ला दी मिट्टी और छुपा के रख दी थी। तो ऐसे अनेक उदाहरण रहते हैं। तो ग्रंथकारों का आदेश समझने के लिए हमें ग्रंथ के जो ग्रंथ की वाचन और उसके मनन और उहन की जो पद्धति है वो पद्धतियों से जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने छोटे मुंह से बहुत बड़ी बात, आवरण जैसा एक कठिन समझ जाने वाला टॉपिक यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश की, और सर ने मुझे और आयोजक ने मुझे यहाँ पे कुछ शब्द कहने की अनुमति दी, मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सबका। अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। धन्यवाद।
शुरू में समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे आवरण करते होंगे। हमारे एक सर थे साठी सर, और हम नए, दोनों नए थे, थोड़ा फर्क था, वो रीडर थे मैं लेक्चरर था। कागज पेंसिल लेके यूं उन आवरण की नक्शे निकाल रहे, अपान अवरुत प्राण, ऐसे वायु कैसे वहां कैसे पहुंचता होगा, सामान वहां कैसे पहुंचता होगा, ये सब समझ के बाहर था। जब एमडी को इस विषय का ज्ञान देने का मुझे समय मिला, तब जाके ये कल्पनाएं कुछ विकसित होने लगी। वायु अमूर्त है, वो अपना कार्य करते रहता है, और जब विकृत होता है तो उसका लक्षण क्या है, उसके क्षेत्र में रुक्षादि गुणों की वृद्धि होती है। वात प्रकोप यानी धातुओं में रुक्षादि गुणों की वृद्धि, उसका परिणाम श्रोतस में पूरण, उसका परिणाम उदीरेते वृषतरम मार्गरोधात वह जलम, अन्यत्र कहीं व्याधि उत्पन्न होती है, कहीं 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 भी हो सकते हैं। फिर वो जैसे श्वास संप्राप्ति में प्राण उदक अन्न वाहिनी, उदक विवाह है, उदक में श्रोतरोध हो तो श्वास होता है, उदर में स्वेद मूत्र अम्बुह में अवरोध होता है तो उदर होता है। अब ये अवरोध वातज है तो उसको वातज उदर कहेंगे। यदि श्रोतस वात प्रदान है और पूरण किसी ने किया है, अवरोध हुआ है, दोष अपने विरुद्ध मार्ग से जाकर कहीं ना कहीं संचित हो रहे हैं, इस प्रकार की संप्राप्ति घटती है। यहां पर ध्यान में आया कि ये जिस क्षेत्र में अवरोध है वो पहला दुष्ट है, और इसका परिणाम जिसको भोगना पड़ रहा है दूसरे को, वो अवरोध है। चिकित्सा किसकी करनी है? यदि श्वास व्याधि उदक वह के श्रोतस में हुआ है, अवरोध हुआ है, श्वास है, तो चिकित्सा किसकी करनी है? उदक वह में शोधन देना है। यह व्यानावृत प्राण है। यदि शिरो में शोथ आया है, श्रोतोरोत उदक वह में है या मूत्र वह में है, कौन है? व्यानावृत या अपानावृत प्राण है। चिकित्सा कैसी करनी है? अपान की करनी है, जिसकी अवरोध उसकी करनी है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं स्थानानि दोषानाम स्थानानि, कौन सा दोष है, किसका स्थान है, किस दोष का स्थान है, स्थानानि। और उसके बाद क्या कहते हैं, कर्मणाम हानिरुद्धि च स्थानानाम, किस दोष का स्थान है और किस कर्म की हानि या वृद्धि हुई है वो देखिए, उस पर से आप आवरण समझ लीजिए। क्या श्लोक है आपके पास? श्लोक है वो स्थान आनी वा स्थानानि, हाँ, अवेक्ष यानी देख कर, हाँ, वृद्धिम हानिश्च कर्मणाम अवेक्ष, किन किन स्थानों की कर्म के वृद्धि या हानि या विकृति हुई है उसका अवेक्षण करिए और निश्चित करिए कौन अवरुद्ध हुआ है और किसने किया। जो पहले बिगड़ा है उसने दूसरे का अवरुद्ध किया है। इस तरह से आपको आवरण को, विविध आवरण को समझना है। एक किस्सा बताता हूं। एक पेशेंट आया, बस 25 साल की उम्र है, और सुबह ओपीडी में आया, कह रहा है कि मुझे राइट एंगुलर लेजन में डल पेन हो रहा है। ठीक है, गोइंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, कुछ दवाई दिए और फिर बुला लिए।
मैं घर पे गया 1 बजे, बस खाना खाने बैठा हूं, आधा खाना हो चुका है, कॉल आया। वो पेशेंट रेस्टलेस है। मैं खाना समाप्त करके तुरंत साइकिल लेके दौड़ा, धूप काला था, साइकिल पे गया। उस समय साइकिल थी हमारे पास। गया, देखा तो ये पेशेंट बैठा है। वो कहता है कि मैं जब ऐसे होता हूं तो मेरी सांस फूलती है, लेटता हूं तो मेरी सांस फूलती है। देखा चेस्ट में कंडीशन नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, बात क्या है? मैंने सिस्टर के कहा, सिस्टर एक ग्लास पानी लाओ, गरम पानी लाओ। गरम पानी लाया और मैं उसको पीने के दो, और बाकी लोगों को कहा थोड़ा सा बाजू सर जाइए, उसको पानी पिलाया। एक ग्लास पानी जैसे गया, गुनगुना पानी, वैसे उसने जोर से उल्टी कर दिए। जो कुछ खाया हुआ था 10 बजे 11 बजे, वो पूरा का पूरा वैसे के वैसे निकल गया। पेशेंट शांत हो गया, लेट गया, अच्छी नींद लिया। क्या हुआ था? अपानावृत समान प्राण। वो हजम अन्न के परिणमन की प्रक्रिया रुक गई इस शूल की वजह से, वो सम्यक नहीं हो पाई। शूल था, खा लिया, थोड़ा खाता तो बात अलग है, पेट भर के खा लिया नहीं हुआ, वो ऐसे के वैसे उलट गया। अब वो पे इसको अलसक कहते हैं, प्रयाति नोर्धमस्ता आहारो गच्छति, इसमें श्वास लगता है, डायाफ्राम पर प्रेशर आता है, श्वास लगता है, श्वास लग गया, कुछ नहीं हुआ था, उल्टी हो गई, पेशेंट एकदम स्वस्थ हो गया। क्या हुआ था? अपानावृत समान, समानावृत प्राण। स्थानानि आवेक्ष वृद्धिम हानिम च कर्मणा, च ये विकृति के लिए, वृद्धि हानि के सिवा जो विकृति उसके लिए चाहे। इस ढंग से आप समझ सकते। एक और अच्छा उदाहरण देता हूं। हमारे पास एक स्टेटस अस्थमेटिस के पेशेंट एडमिट हुई, 18 साल की उम्र, अब हमें उसको आईवी चल रहा है, एक्वारलिन चल रहा है, एमोनोफाइलिन दे रहे हैं, बीच बीच में ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, और उसको बैकरेस्ट भी दे दी है। बैकरेस्ट दिए हैं क्यों? पेशेंट ऐसी लो लेट ऐसी पड़ी है, ऑक्सीजन चल रहा है और एमोनोफाइलिन आईवी चल रहा है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, अटैक कम होता है, फिर शुरू होता है, फिर आईवी शुरू होता है, 2 दिन तक ये चलने लगा। 3रे दिन क्या हुआ? मुझे कॉल आया 4 बजे, मैं क्लास ले रहा था, पेशेंट रेस्पिरेशन स्टॉप, कम सुन, अब मुझे पसीना आ गया, मैं दौड़ता दौड़ता आ गया, तब तक ये चल रहा था, इधर रजिस्ट्रार कर रहा है, इधर हाउसबन कर रहा है, इधर एक लेक्चर कर रहा है, चल रहा है। जब तक ये चल रहा है तब तक पेशेंट ठीक है, पल्स रेट है, पल्स चल रही है, जब तक ये चल रहा तब तक पेशेंट ठीक है, ऑक्सीजन भी ठीक लगाया, ये बंद कर दिया साइनोस और हाथ पर ऐसे दोनों पैर भी हाथ भी, कुछ समझ ही नहीं सोचते कभी। अचानक मेरे ध्यान में आया कि हमारे एक रजिस्टर थे,
उसको बाहर लेके गए, यार ये कब से ये पीठ पर ये लगा के सोए हो बैकरेज के, तो जब से आइए तब से मैं, मतलब पहले उसको उतारो आप, उस बैकरेज आप निकाल दो पहले। सर वो आप परेशान हैं, इस समय परेशान है, बैकरेज निकालने के बाद भी परेशान होगी तो होने दो, पहले निकालो तो सही। आप बैकरेज निकाल लिए, पेशेंट रिलैक्स सुला दिए, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन चल ही रहा था, जैसे बैकरेज डाउन हो गई नीचे हो गया, पेशेंट ने खूब रेस्पिरेशन ले लिया, हमने भी सांस छोड़ दी, उसने हाथ पर नजीक ले लिए, समझ गए हैं क्या हुआ था, गलती क्या हुई थी हमारे से। कंटिन्यूस बैकरेज दिए थे हमने 3 दिन उसको, क्या हुआ था, ज्ञानावृत प्राण। ब्रेन को सप्लाई नहीं हुआ, ब्लड सप्लाई नहीं हुआ, जितना मात्रा में होना चाहिए नहीं हुआ, कांस्टेंट इस प्रकार से बैठते हैं नहीं होगा, सोना है आपको थोड़ी देर। तब से हमने ये तय कर दिया कि बैकरेज देने के बाद बीच बीच में उसको पेशेंट को नीचे सुलाना है। ये हुआ व्यानावृत प्राण। चिकित्सा किसकी की हमने, प्राण की हमने, ज्ञान को प्राण को सप्लाई किया, ज्ञान को सीधा किया, चिकित्सा हमने कर दी, जो सप्लाई नहीं हो रहा था वो कर दिया। इस ढंग से स्थानानि अवेक्ष कर्माणि कर्मणाम हानि च वृद्धि च अवेक्ष उह्यता। ये और इस ढंग से अब हमारे मन में शंका थी, लेकिन अब दूर हो गई, चिंतन करने के बाद ये शंका हमारे दूर हो गई कि आवरण स्वतंत्र है, ये व्याधि है या हर व्याधि में आने वाली संप्राप्ति है। ये हर व्याधि में आने वाली संप्राप्ति है, क्योंकि वात वायु ये सब व्याधियों का कारण है। तो ये आवरण संकल्पना ये स्वतंत्र व्याधि नहीं है, ये हर व्याधि में कहीं ना कहीं आवरण होता है। चिकित्सा किसकी करनी है ये आपको तय करना है, पहले किसकी करनी है, बाद में किसकी करनी है। इस ढंग से ये आवरण आप समझ सकते हैं, ये प्रयास है, हो सकता है इसमें त्रुटि हो, कुछ शंकाएं आए तो उस पर चिंतन होगा, उहन होगा, त्रुटियां दूर करती है, ये परंपरा चलती है। लेकिन आज यहां तक तो हम थोड़ा सा मार्ग कहीं ना कहीं मिल गया, इस आनंद में है, देखिए क्या होता है, ये आनंद टिकता है या फिर समस्या कुछ उत्पन्न होती है, देखते रहेंगे। उहन है ये, उहन करते रहो, समस्या ढूंढते रहो, अड़े मत रहो कि ये मेरा ही सही है, नहीं हो सकता और कुछ नया आ जाए, उस पर उहन करेंगे। आज यही समाप्त करते हैं, दोपहर में अनुक्त व्याधि और अनुक्त द्रव्यों का विचार करेंगे।